11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पर एक सुपर फ्रेश अपडेट रिवील्ड हुई है, जिसे खुद फिल्म के एक अहम मेंबर ने लीक किया है। दरअसल ये इनसाइड इन्फॉर्मर कोई और शख्स नहीं बल्कि गिप्पी ग्रेवाल हैं। दरअसल लाल सिंह चड्ढा के दौरान ऐसी खबर आई थी कि पंजाबी सिंगर और एक्टर गिप्पी ग्रेवाल आमिर की फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसके बाद शूटिंग के दौरान की कई तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसमें गिप्पी आमिर खान के साथ दिखाई दिए थे, जिसने इस बात पर तो मोहर लगा दी थी कि गिप्पी फिल्म का हिस्सा है। लेकिन वो फिल्म में किस अवतार में दिखाई देंगे ये सामने नहीं आया था, लेकिन इस महज एक फोटो ने लोगों की एक्साइटमेंट का पिटारा खोल दिया था और कयास लगने लग गए थे कि गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म में अहम किरदार होने वाला है। वो कोई पिवाइटल रोल ही लाल सिंह चड्ढा में निभाएंगे। लेकिन अब इस पूरे मसले पर गिप्पी ने खुद ही खुलासा किया है और तमाम उठ रहे सवालों पर लगाम लगा दी है। गिप्पी ने INS से खास बातचीत में फिल्म को लेकर और फिल्म में अपने किरदार को लेकर क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। मैं लाल सिंह चड्ढा में कोई कैमियो या कोई किरदार नहीं कर रहा हूँ और मैं इस अफवाह को फिर से साफ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैं बताता हूँ कि हकीकत में क्या हुआ था। कई तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ मैं आमिर पाजी के साथ नजर आ रहा हूँ, लेकिन वजह कुछ और ही है। गिप्पी ग्रेवाल ने आगे कहा, सबसे पहले मैं उनके काम का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और एक अच्छा दोस्त भी हूँ, क्योंकि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा पंजाब में शूट किया गया था। हम दोपहर के गाने और एक सोशल मीटिंग के लिए मिले थे। इसके अलावा क्योंकि पंजाब पर बहुत सारे डिटेल्ड एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैं और मेरी टीम उन डिटेल्स को ठीक करने के लिए राइटर्स की मदद कर रहे थे। मैं फिल्म के सेट पर भी गया था, इसलिए लोग मानते हैं कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं एक एक्टर के रूप में लाल सिंह चड्ढा का हिस्सा नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों का गिप्पी ग्रेवाल के इस स्टेटमेंट के सुनने के बाद दिल टूट गया होगा। गिप्पी और आमिर को साथ में ऑन स्क्रीन देखने का सपना चकनाचूर हो गया होगा, लेकिन गिप्पी ने भी लोगों की बढ़ती एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए चुप रहना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट धीरे धीरे करीब आ रही है और जल्दी फिल्म का प्रमोशन शुरू होगा। ऐसे में अगर गिप्पी ग्रेवाल वहां मौजूद नहीं हुए या फिल्म में दिखाई नहीं दिए तो वो फिल्म का नेगेटिव पॉइंट बन सकता है, इसलिए गिप्पी ने रिलीज से पहले ही इन अफवाहों को क्लियर करने का फैसला किया। बताते चलें कि गिप्पी ग्रेवाल इससे पहले सेकंड हैंड हस्बैंड, लखनऊ सेंट्रल जैसी हिंदी फिल्मों में नजर आए थे और फिल्म कॉकटेल के गाने अंग्रेजी बीट से खूब ख्याति अर्जित की थी। हालांकि इन दिनों वो अपनी लेटेस्ट रिलीज हुई पंजाबी फिल्म माँ में बिजी हैं, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि फिल्म का निर्माण भी किया है। वहीं एक और नेशनल अवार्ड विनर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या दत्ता ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।